भगवत गीता को मुक्ति दायिनी कहा जाता है, संतोष देने वाली कहा जाता है, समस्याओं का हल बताने वाली कहा जाता है, कष्टों को मिटाने वाली कहा जाता है। आज भगवत गीता की चार शिक्षाओं की बात करेंगे कि भगवत गीता ने हमें ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण चार शिक्षाएं दी हैं जिनको अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हम कभी भी दुखी नहीं रह सकते, हमेशा हम सुखी रहेंगे। भगवत गीता ने हमें पहला उपदेश दिया है कि जब इंसान टूट जाता है, जब इंसान के जीवन में दुख आता है और जब हर कोई उस इंसान का साथ छोड़ देता है, उसी समय उस इंसान के भीतर उसकी असली शक्ति का जन्म होता है। उसी तकलीफ की घड़ी में उस इंसान के चरित्र का निर्माण होता है, क्योंकि जब तक हम दूसरों के सहारे होते हैं तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर की योग्यता क्या है, हमारी शक्ति क्या है। जो इंसान हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है उसे कभी पता नहीं चलता कि वह भी इस दुनिया में कुछ अलग कर सकता है, कुछ बड़ा कर सकता है। भीड़ सिर्फ आपको दिलासा देती है, समस्या आप खुद को मिटानी पड़ती है। दो तरह के इंसान होते हैं दुनिया में, एक तो वो जब तकलीफ आते हैं तो टूट जाते हैं, और दूसरे लोग वो होते हैं जब तकलीफ आती है उन पर तो उनके अंदर की हिम्मत जागती है, कुछ अलग करने का जुनून उमड़ता है। अक्सर आप सफल लोगों से सुनते होंगे कि अगर हमारे जीवन में दुख या परेशानी नहीं आती तो आज हम इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। कई बार ये जिंदगी हमें इसलिए तकलीफ देती है कि हम जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर सकें। तो भगवत गीता पहला उपदेश हमें यही देती है कि अपने अंदर झांको, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। और भगवत गीता दूसरा उपदेश यह देती है कि अपनी हर चिंता, अपनी हर समस्या ईश्वर के आगे समर्पित कर दो। जो लोग अपनी चिंताओं का बोझ, अपने डर का बोझ अपने कंधों पर लेके चलते हैं वो जीवन में कभी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन जिन लोगों ने अपनी हर चिंता, अपने हर डर ईश्वर के आगे सौंप दिया, उनके अंदर एक ताकत होती है, एक विश्वास होता है, और उस ताकत के बल पर वह हर मुश्किल से जीत जाते हैं, अपनी हर चिंता को दूर कर देते हैं और हमेशा एक आनंद भरा जीवन जीते हैं। और भगवत गीता में तीसरी शिक्षा या उपदेश यह है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग मेरी इन शिक्षाओं में विश्वास नहीं रखते वो लोग सुख दुख के चक्र से कभी नहीं छूट पाते। थोड़े दिन जिंदगी में खुशियाँ आएंगी, लेकिन फिर दुख का ऐसा झटका लगेगा कि वह इंसान टूट जाता है। लेकिन जो इंसान भगवान की इन शिक्षाओं पर विश्वास करता है वह हमेशा खुश, चिंताओं से मुक्त रहता है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश दिया है भगवत गीता में कि आप जिंदगी में वही बनते हैं जितना आप खुद पर विश्वास करते हैं। आपको उससे ज़्यादा कभी नहीं मिलने वाला जितना आपको खुद पर विश्वास है। कहते हैं ना कि जिस इंसान की छोटी सोच होती है उस इंसान की छोटी ही जिंदगी होती है, जिस इंसान की सोच बड़ी होती है वही जिंदगी में बड़ा आदमी बनता है। आपके विश्वास ही आपको छोटा बड़ा बनाता है, आपको कामयाब या नाकामयाब, बड़ा या छोटा भी आपका विश्वास ही बनाता है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप किसी भी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। भगवत गीता के अगर इन चार उपदेशों को आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया ना, तो आप कभी भी दुख का सामना नहीं करेंगे।